19 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2.4, 6.9, 8.10 और 4.5 को 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है, यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता। तो मैंने समांतर चतुर्भुज के लिए आपको बता रखा है और आयत के लिए भी बता रखा है, दोनों में फर्क क्या है। इसमें इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते, यहाँ विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना ए 2.4, बी 6.9, सी 8.10 और डी 4.5। चार बिंदु हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि चतुर्भुज के शीर्ष है, चार बिंदु हैं, ठीक है, या चार बिंदु है। अब एक एक करके ए से बी के बीच की दूरी ए भी निकालो, तो ए भी निकालोगे तो आप दूरी सूत्र लगाओ, यहां पर आ जाएगा आपका 6-2 का स्क्वायर प्लस 9-4 का स्क्वायर। चलिए देखिए, यहां घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, यहां घटेगा 5, यहां घटेगा आपका 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1, 3, 4 41 आ जाएगा, √41। चलिए बीसी निकालता हूं, तो बीसी बराबर में हो जाएगा आपका, यहाँ देखो 8-6 का स्क्वायर और प्लस 10-9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ घटेगा तो आपका 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ घटेगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √5, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब मैं सी डी निकालता हूँ, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, √4-8 का स्क्वायर और प्लस 5-10 का स्क्वायर। चलिए देखिए, यहाँ घटेगा माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये √41 आ गया। अच्छा, और अब निकालते हैं एडी, है ना, एडी, तो एडी हो जाएगा आपका 4-2 का स्क्वायर और प्लस 5-4 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा आपका 2 का स्क्वायर 4, यहाँ घटेगा 1 का स्क्वायर 1, √5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ए बी बराबर सी डी हो गया और बी सी बराबर ए डी हो गया। अच्छा, विकर्ण निकाल देते हैं, विकर्ण यानी कि ए सी और बी डी निकालेंगे, ठीक है, आप सोचो ना, विकर्ण ए सी और बी डी ही ना होगा, ए सी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8-2 का स्क्वायर और प्लस 10-4 का स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ घटेगा आपका 6 का स्क्वायर 36 √72 का मतलब कि 6√2, ठीक है। चलिए तो उसके बाद मैं बी डी निकालता हूँ, तो बी और डी, तो हो जाएगा आपका 6-4 या 4-6 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9-5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ घटाएंगे 4 का स्क्वायर 16 4 20, √20 का मतलब है यहाँ पर 2√5, तो यह विकर्ण कहाँ बराबर हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ से ए सी बराबर नहीं है बी डी के, यहाँ अतः कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, आयत नहीं है, आयत नहीं है, आयत नहीं है, समझ गया ना, समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। क्यों आयत नहीं है, क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर